वेलकम टू द क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो ये जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन क्या है? तो ये क्या होता है? रेगुलेशन है वो क्या करता है? जीन को एक्सप्रेस, जब जीन एक्सप्रेस होता है, ठीक है, उसको अलर्ट करता है, वो कमांड देता है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है या नहीं, इस प्रोसेस को यहाँ रोक देना है या आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सब डिपेंड किस पर करता है? रेगुलेशन पर डिपेंड करता है। हमने आगे डिस्कस किया था डीएनए से प्रोटीन बनता था। ठीक है, डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता, लेकिन डीएनए से एमआरएनए बनता है, अनमैच्योर एमआरएनए है, मैच्योर एमआरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है और फिर प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ये जो डीएनए से प्रोटीन बनता है, तो ये रेगुलेशन क्या करता है? ये जो सब रेगुलेशन पर डिपेंड करता है कि ये डीएनए से प्रोटीन बनाने देना है या नहीं। मतलब ये जो रेगुलेशन है वो क्या करेगा, इसको कंट्रोल भी कर सकता है, ये डीएनए से प्रोटीन बना ही नहीं देना चाहता। ठीक है, तो क्या होगा, इस जो प्रोसेस है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है? रेगुलेशन पर डिपेंड करती है। इसलिए हम उसको ये कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसको हम यहाँ जो डेफिनेशन दी है, जो सिंपली डेफिनेशन है, स्टिम्युलेट द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन एंड इनहिबिट दैट ऑफ अदर इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यहाँ जो स्टिम्युलेट है, ये स्टिम्युलेट का मतलब क्या होता है? इस प्रोसेस को बढ़ावा देता है, मतलब कि इस प्रोसेस को इंक्रीज करता है, एंड इनहिबिट्स मतलब को इस प्रोसेस को कम करता है, मतलब ये डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। तो ये क्या होता है, इस प्रोसेस, कई बार ये प्रोसेस इंक्रीज होती है तो कई बार ये प्रोसेस डिक्रीज होती है। किस पर डिपेंडेड है? रेगुलेशन पर। ये सब रेगुलेशन पर डिपेंड होती है। कई वो रेगुलेशन क्या करता है, कई बार इस प्रोसेस को इंक्रीज करता है और कई बार इस प्रोसेस को डिक्रीज करता है। ठीक है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके एग्जांपल दूं। आप बाहर गए और कुछ खाया, आपने बाहर जाकर ग्लूकोज की बात करें तो आपने जलेबी खाए। ठीक है, तो जलेबी खाए तो जलेबी में क्या होता है, चीनी होगी। ऑब्वियसली बात है, जो चीनी होगी तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा है वो ज्यादा होगी। ठीक है, जब ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में बनेगा तो उसको अपोजिट में कुछ होना चाहिए ना। ठीक है, वरना तो क्या होगा, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा जो बढ़ जाएगी तो हमें कोई डिजीज होने की, या तो शुगर डिजीज होने की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब ये शुगर ब्रेकडाउन होता है तो अपोजिट में इंसुलिन हमें ज्यादा इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो इंसुलिन है, ठीक है, ये जो डीएनए से प्रोटीन बनाते हैं, इंसुलिन क्या है, प्रोटीएस हार्मोन से। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। अब ये जो इंसुलिन है, ठीक है, वो क्या करेगा, उस शुगर को लेवल को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अगर आपने जलेबी खाई हो और फिर 4 से 5 घंटे हो गए हो, ठीक है, तो फिर आपको जो इंसुलिन है वो उसको इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 से 5 घंटे में जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, जो उसको क्या करेगा, जो हमारे ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वो ब्लड के साथ कंबाइन हो जाएगा और जो हमारे हमें बॉडी में एनर्जी सोर्स होती है, ठीक है, उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंसुलिन की हमें जो लेवल है, ठीक है, वो इंक्रीज करना नहीं पड़ेगा। अगर हमें जो इंसुलिन का लेवल इंक्रीज करें तो क्या होगा, जो शुगर है, ठीक है, ग्लूकोज है, उसकी जो मात्रा है वो घट जाएगी। अगर वो कम हो जाएगी तो हमें हाइपोटेंशन की कमी होगी, ठीक है, हमारी बॉडी वीकनेस फील करेगी। ठीक है, तो ये उसी तरह ये प्रोसेस है। ठीक है, जेनेटिक्स में कई प्रोसेस ऐसी होती है जो हमें लगता है ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है, लेकिन इस प्रोसेस ऐसी कई प्रोसेस होती है जो हमें इम्पॉसिबल लगती है, तो ऐसी प्रोसेस में एक प्रोसेस है। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। अब बात करें, इसमें 4 टाइप के कंट्रोल दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 टाइप के जो कंट्रोल है उससे हम ये प्रोसेस रोक सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। जब ये डीएनए से एमआरएनए बनता था, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हमें आगे डिस्कस की थी,
है तो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को होने ही ना दो, ठीक है, इस प्रोसेस को ही रोक दो तो ये हमारे लिए बनेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होने ही नहीं देगा तो फिर क्या प्रोटीन बनाएगा। जो सेकंड है प्रोसेस, प्रोसेसिंग लेवल रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, मतलब कि ये जो एमआरएनए है, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बना, वो कैसा बना था, अनमैच्योर एमआरएनए बना था, ठीक है, ऐसे अनमैच्योर एमआरएनए बना था, उसमें कई पार्ट ऐसे होते थे जो नॉन फंक्शनल होते थे, जैसे कि इंट्रॉन्स, ठीक है, और जो फंक्शनल पार्ट है जो हमारे काम के है, ठीक है, वो क्या है, एक्सॉन्स, ठीक है, ये आगे हमने डिस्कस किया था। ये यूकेरियोटिक की बात करें, क्योंकि मैं आपने बात करी ये यूकेरियोटिक की बात करें तो उसमें क्या होती है, अनमैच्योर एमआरएनए, उसको जो मैच्योर एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है मैच्योर एमआरएनए बनाने की, ठीक है, तो उस प्रोसेस को ही रोक दो, ठीक है, तो क्या होगा, मैच्योर एमआरएनए नहीं बनेगा। फिर जो थर्ड है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। तो अब क्या करेगा, ये जो मैच्योर एमआरएनए, अगर मान लीजिए मैच्योर एमआरएनए बन भी गया तो क्या होगा, इस सेल में जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें मैच्योर एमआरएनए बन गया, ठीक है, तो ये मैच्योर एमआरएनए बन गया, फिर क्या करेगा, ये जो मैच्योर एमआरएनए बन गया है तो ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन के लिए साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन के लिए जब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा तो उस प्रोसेस को यहां से रोक दो, मतलब कि साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन करेगा ही, अगर ट्रांसलेशन नहीं करेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनाएगा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने ही ना, ठीक है, उसे यहाँ पर कंट्रोल कर देता है। अब जो लास्ट है ट्रांसलेशन लेवल, ये जो ट्रांसलेशन लेवल क्या है, मान लीजिए कि यहाँ से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एमआरएनए निकलते हैं, ठीक है, वो बन गया है, नेचुरल एमआरएनए बन गया है, ये अगर ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के लिए चला गया तो ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है, तो अब ये एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की कई ऐसी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो कैसे बनती है, ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न, मतलब कि ये जो हमारे कुछ काम का नहीं, अगर आप पढ़ने बैठे हो तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, तो ये प्रोसेस हम कुछ काम नहीं, कैसे इस प्रोसेस को रोकना है, क्या है, मतलब कि हमें, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है जो ये एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको ही रोक दो, इस प्रोसेस को कैसे रोकते हैं और ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जो एमआरएनए से प्रोटीन बनाती है, ठीक है, वो हमारे लिए जो प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस होती है वो कैसे हम उसे रोक सकते हैं, उस प्रोसेस हमारे लिए कुछ काम की नहीं है, ठीक है, बस हमें ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से एमआरएनए से जो प्रोटीन बनाती है प्रोसेस, ठीक है, उस प्रोसेस को होने ही, अगर ये जो प्रोसेस ही नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये जो फोर टाइप के कंट्रोल्स है हमने यहाँ डायग्राम में शो किया है, लेवल ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब कि यह फोर टाइप के है, जो फोर टाइप के जो प्रोसेस है उसे कंट्रोल कर देता है, मतलब कि ऐसी ऐसी फोर टाइप की जो पोजीशन है यहाँ से प्रोसेस को रोक दी जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जीन, डीएनए, जो हमारा डीएनए है, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बनता था, वो ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस थी, तो ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, वो रेगुलेशन क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ही रोक देता है, अगर ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस नहीं होती तो एमआरएनए नहीं बनेगा, ठीक है, अगर मान लीजिए एमआरएनए बन गया, ठीक है, तो एमआरएनए बन गया तो अनमैच्योर एमआरएनए है, ठीक है, उसमें एक्सॉन इंट्रॉन सब है, तो ये जो इनमैच्योर एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए बनाने की ये जो आरएनए प्रोसेसिंग है उसे कंट्रोल कर देगा, मतलब कि ये जो अनमैच्योर से मैच्योर एमआरएनए बनाने की प्रोसेस है वो होने ही ना दे, ठीक है, तो मैच्योर एमआरएनए बनेगा वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, इस प्रोसेस को होने ही नहीं देंगे। अगर मान लीजिए कि फिर भी ये एमआरएनए बन गया, ठीक है, अगर ये एमआरएनए
ट्रांसपोर्ट उसका होगा ही नहीं, उसे कंट्रोल कर देगा। ठीक है, अब ये जो लास्ट बात है, ये जो एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म में चला गया, ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए, फिर उसमें जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, एमआरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा, जब ये एमआरएनए से प्रोटीन कन्वर्ट होती है, जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है उसे कंट्रोल कर देता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस ही ना हो। तो ऐसे फोर टाइप के जो लेवल्स है रेगुलेशन के, ठीक है, ऐसे फोर टाइप के प्रोसेस में उसे वो रोक देते हैं। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, आरएनए की प्रोसेसिंग है, एक्सपोर्टिंग जो है, ट्रांसपोर्ट की, जो आरएनए ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, उसे कंट्रोल कर देता है, और लास्ट में ट्रांसलेशन की, यहाँ से जो प्रोटीन ही नहीं बनता। ठीक है, तो ये सब इस पर डिपेंडेंट है, रेगुलेशन पर, इसलिए हम उसे कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, सो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।